सत श्री अकाल, मैं इम्तियाज बराड़ अते चढ़दी कला टाइम टीवी दी विशेष रिपोर्ट दे उपर तुहाडा स्वागत है। सिख कौम दे लई सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दा स्थान बहुत ज़्यादा अहम है। इत्थों दे दर्शन करके दिल दिमाग अते रूह नूं पुरसकून हासिल हुंदा है, जां फिर इंज कह सकदे हां कि रूह दा सकून हासिल करन वाला जो नूर हुंदा है ओह इलाही नूर इंसान नूं इत्थों दे दर्शन मात्र दे नाल प्राप्त हुंदा है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सिख कौम की विलखण होंद हस्ती स्वैमाण इतिहास अते विरासत की जगदी जोत है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने यह जोत साक्षात रूप दे विच प्रगट करके पूरी मानवता नूं आदर्शक धर्म मंदिर के रूप दे विच भेटा की है, जो इंसानी भाईचारे मनुखी एकता रब्बी प्यार अते समानता की मूँह बोल की तस्वीर है। इस सिख रहु रीत की केंद्रीय धुरा होने के नाल नाल सिख कौम का श्रोमणी केंद्रीय धार्मिक अस्थान भी है, जो हर इंसान नूं स्वैमान दे नाल जीवन जीवन की प्रेरणा दिंदा है। पर की तुसी जानदे हो कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब की तामीरी नींह किस महान शख्सी ने रखी सी? जी हाँ प्यारे दर्शकों, सचखंड श्री हरिमंदर साहिब का तामीरी नींह पत्थर श्री गुरु अर्जन देव जी की सरपरस्ती दे विच महान मुस्लिम संत मियाँ मीर जी ने रखिया सी। ता आओ जानदे हां संत मियाँ मीर जी दे बारे विच वी। हजरत साईं मियाँ मीर जी सूफी दरवेश सन। साईं मियाँ मीर जी दा पूरा नां शेख मोहम्मद मीर सी। आप मियाँ जीओ शाह मीर, ख्वाजा मीर, बाला पीर अते मीर मईनुल इस्लाम दे नाल वी जाने जांदे सन। श्री गुरु अर्जन देव जी अते साईं मियाँ मीर जी दी पहली वारी मिलाप सिहारी मल दे बेटे दी शादी दे विच लाहौर विखे होया सी। फिर अगे मुलाकातां दा सिलसिला बाद दस्तूर जारी रहा। जद गुरु अर्जन देव जी गुरुगद्दी दे विराजमान होए ता साईं जी ने उन्हां नूं दस्तार भेंट कीती सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दी नींह पत्थर 1588 ईस्वी च साईं मियाँ मीर जी दे पासों रखवाया सी। खालसा राज महाराजा रणजीत सिंह अते पंजाब दे इतिहास दे बारे 1885 च छपी मशहूर पुस्तक उमदातुत तवारीख दे विच हरिमंदर साहिब जी दे नींह पत्थर बारे लिखिया गया है कि गुरु जी खुद साईं जी नूं लैण लाहौर गए सन अते उन्हां दे मुबारक हत्थां दे नाल ही नींह पत्थर रखवाया गया सी। अते गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी दे समें साईं जी गुरु जी नूं मिलण गए अते बड़े ही दुखी हिरदे दे नाल बेनती कीती, जिस दा भाई संतोख सिंह जी इस तरह वर्णन करदे ने। अफसर पायर पीर पुन आए, करामत कामल समुदाय, नमो कहे हुण खरे अगारी, क्यों तुम सहो कष्ट तन पारी, हथे दुष्ट तो बिलम न लावे, आज्ञा तनक आपकी पावे, दिली लव पूरे नगर बिसाले, अब लेवे निज हाथ उठा ले, दोने भरा वो ज्यों करवारी, द्यो नास करे लगे न बारी, क्यों इतने दुख सहु गुसाए, द्यो सारत मुख कहो न काए। पाव के साईं जी ने गुरु जी नूं कहा कि मैनू इज्जत देवो कि रब्बी कृपा दे नाल मैं दिल्ली तो लाहौर दी इट दे नाल इट खड़का देवां, जिस शहर च इन्ने जुल्म होण उसदा नष्ट हो जाना ही ठीक है। साईं मियाँ मीर जी दीआं गल्लां सुन के गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि साईं जी धीरज रखो, सूफी अते संत रूहानियत दे उच्चे दर्जे ते हुंदे ने, पर खुदाई दे मामले दे विच कोई दखल अंदाजी नहीं दिंदे, ओह हमेशा रब्बी रजा दे विच राजी रहिंदे ने। साडे नाल जो हो रिहा है ओह रब दी मर्जी है। छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे नाल वी साईं जी दे संबंध मित्रता वाले ही रहे। जदों मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु जी नूं ग्वालियर दे किले दे विच कैद कर लिया सी ता बादशाह दे मनो गलत फहमियां दूर करके गुरु जी दी रिहाई भी उन्हां ने संभव करवाई सी। फिर जदों लाहौर दे काजी रुस्तम खान दी बेटी बीबी कौला गुरु घर दी बाणी पढ़ के बहुत प्रभावित होई तां साईं जी ने बीबी कौला नूं गुरु जी दे कोल अमृतसर भेज दिता सी, जिथे गुरु जी ने बीबी कौला जी दे नाम ते पुर सरोवर भी बनवाया। डॉक्टर मोहम्मद हबीब अपनी पुस्तक साईं मियाँ मीर च लिखदे ने कि साईं जी ने अपना सारा जीवन लाहौर च ही गुजारिया। जद बुढ़ापे दे कारण आप बहुत कमजोर हो गए ता आप नूं इक भयानक बीमारी ने घेर लिया। 5 दिन बीमार रहण मगरों 11 अगस्त सन 1644 ईस्वी नूं इस जहान तों आप दी मुकद्दस रूह बारगाहे इलाही दे वल कूच कर गई। इस दे नाल ही साईं मियाँ मीर जी दी गद्दी नशीनी दा दौर आरंभ होया, जिथे कि तत्कालीन वक्त तक साईं मियाँ मीर जी दे 19वें गद्दी नशीन मखदूम सैयद चन्न पीर कादरी जी अपनियां दुआवां अते रूहानियत दी पाकीजगी दे नाल संगतां नूं निहाल करदे आ रहे हन। परंतू पाकिस्तान तो अज सवेरे बहुत ही दुखदायक खबर सुनने को मिली है, जितों की पता चलिया है कि कराची विखे श्री दरबार साहिब जी दी नींह रखण वाले साईं मियाँ मीर जी दे 19वें गद्दी नशीन मखदूम सैयद चन्न पीर कादरी इस फानी संसार नूं अलविदा आ गए ने। इस संबंधी 26 जुलाई नूं लाहौर विखे उन्हां नूं सपुरदे खाक कीता जाएगा।
यह जानकारी पाकिस्तान तो हजरत साई मियां मीर दे गद्दी दे वारिस साई चन्न पीर कादरी दे फरजंद अते बीवें गद्दी नशीन साई अली रजा कादरी ने खुद दिती है। जानकारी दे अनुसार सैयद चन्न पीर कादरी जी लाहौर दे रहन वाले सन, पर उन्होंने अंतिम साह कराची विखे ही ले सी। इस करके उन्होंने सपुरदे खाक करन दीयां रस्मां 26 जुलाई नूं लाहौर विखे कीतियां जाणगियां। इस दुख की घड़ी दे विच चढ़दी कला टाइम टीवी डूंघे दुख का इजहार करता होया परमात्मा कोलो परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण दी अरदास करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।